एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक में वो है मेंटल इलनेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि मेंटल इलनेस क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या, इट इज अ बायोलॉजिस्ट मैन इन लिविंग कि मेंटल इलनेस हम किसको बोल सकते हैं, जब एक इंडिविजुअल की लिविंग में क्या आ जाए, माल एडजस्टमेंट मींस कि जब वो क्या ना कर सके, एक इंडिविजुअल एडजस्ट ना कर पाए। ओके, ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कभी आप सोचो कि इतना सा एडजस्ट नहीं हो रहा तो वो मेंटली इल है, ऐसा नहीं होता। ओके, इट प्रोड्यूसेस अ डिसहार्मनी इन द पर्सन्स एबिलिटी, और ये क्या लेकर आता है, एक तरह का डिसहार्मनी मींस डिसबैलेंस कर देता है पर्सन्स की एबिलिटी को टू ह्यूमन नीड्स कम्फर्टेबली और इफेक्टिवली। मीन्स मेंटल इलनेस क्या है कि जब एक इंडिविजुअल क्या हो जाता है, माल एडजस्टेड हो जाता है, डिसहार्मनी हो जाता है अपनी जो भी वर्क और जो भी एक्टिविटीज है उनको करने में। ओके, नेक्स्ट है अ मेंटली इल पर्सन लॉसेस हिज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। जो अब देखो, अगर कोई मेंटली हेल्दी है तो उसको पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बट मेंटल इल जो होगा वो इन सब चीजों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। ओके, ही हैज फॉर हिमसेल्फ एंड द डिमांड्स दैट सोसाइटी हैज फॉर हिम। अब एक इंडिविजुअल है, सोसाइटी में रह रहा है, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और सोसाइटी को भी उस इंडिविजुअल से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन एक मेंटली इल जो होगा उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी खुद के लिए और जो सोसाइटी के लिए होगी वो क्या हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल हेल्थी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस की क्या क्या हो सकती है। ओके, देखिए फर्स्ट है चेंजेस इन वन्स थिंकिंग मेमोरी परसेप्शन एंड फीलिंग्स। ऑब्वियस है, जो मेंटली इल होगा उसमें चेंजेस, उसकी इंडिविजुअल की थिंकिंग में चेंज आएगा, उसकी मेमोरी में भी चेंज आएगा, परसेप्शन में भी चेंज आएगा, कैसे वो किसी चीज को परसीव कर रहा है, और जो उसकी फीलिंग्स होगी उसमें भी क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है दीज चेंजेस इन बिहेवियर कॉजेज डिस्ट्रेस। अगर ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या कॉज कर सकता है, डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जरूरी नहीं है कि बस यही एक जो चेंजेस है, और भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल्स और अदर्स और बोथ, और जो सफर कर सकता है इन चेंजेस की वजह से वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, अदर्स भी हो सकते हैं, या फिर दूसरे भी। अदर्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सोसाइटी में या हमारी कॉलोनी में कोई भी मेंटली इल पर्सन है तो वो क्या है, उसमें ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब करता है किसको, खुद को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो अदर्स मीन जो अपनी सोसाइटी के हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर खाली इंडिविजुअल को। ओके, नेक्स्ट है चेंजेस कॉजेस डिस्टर्बेंसेस इन डे टू डे एक्टिविटीज। और जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ में आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं जो एक इंडिविजुअल की डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जो वो डेली एक्टिविटीज करता है उन सब में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। जो वो वर्क कर रहा है उसमें क्या होगा, चेंज आ जाएगा। जो भी उसका रिलेशनशिप है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, उन सब में क्या है, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत कॉमन सी चीज, आप खुद सोचिए, अगर हम हमारी जो मेमोरी है वो क्या है, बिल्कुल लॉस हो जाए, या हम सोच रहे कि हमारी जो क्षमता है वो खत्म होने लगे, तो क्या होगा, हमारा जो डिस्टरबेंस है, हमारी जो एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि मेंटल इलनेस क्या होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।